हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज रात मैं यहां सबका वेलकम करता हूं। कोई नहीं जानता कौन सी रात उसकी आखिरी रात है। आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है, जो है वो आज है। तो आज रात को जो भी यहां होने वाला है उसके लिए सारे लोग तैयार हो जाएं। किसी को कोई शक हो तो वो अभी भी यहां से जा सकता है। दुआ करेंगे कि वो सही सलामत जा सके, वरना बाद में किसी का यहां से जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कोई नहीं गया और यही तो हम चाहते थे, कोई ना जाए। अब शुरुआत होगी इस खतरनाक रात की। आपके सामने मेरी असिस्टेंट एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आएगी जिसमें आप सब लोग अपने मोबाइल फोन्स डाल देंगे। किसी से किसी का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा। इसी तरह हमारी बात मानते रहना। अब आगे बात करते हैं। सबके सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अब हर आदमी अपने अपने बॉक्स को खोलेंगे। लिफाफे के ऊपर नाम लिखा हुआ है और लिफाफे के अंदर उस आदमी का काम। याद रखना, कोई भी आदमी अपने काम के बारे में किसी को नहीं बताएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अब आप सब लोग अपने कमरे में जाइए और जैसे ही घंटा बजे अपना काम शुरू कर देना। कुछ गड़बड़ है, मेरा एनवेलप ब्लैंक है। कुछ गड़बड़ नहीं है रोहित, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। तुम्हें जो करना है वो इस लिफाफे में नहीं है। अब अपने सामने देखो, एक लैंप रखा हुआ है, उसकी तरफ बढ़ो। अब वो लैंप ऑन होगा। सामने रखा हुआ बॉक्स खोलो, वो ही तुम्हारा मिशन है। ये तो गन है। बिल्कुल सही, ये गन है, उठाओ उसे। साइलेंसर लगा उस पर। ध्यान से, गन भरी हुई है, तुम्हें सिर्फ उसे चलाना है। रूम नंबर 2 में जो है उस पर। लेकिन का टाइम खत्म हो चुका है रोहित, और बीता हुआ टाइम कभी लौट कर नहीं आता। अब तो तुम्हें गोली चलानी पड़ेगी, वरना तुम पर गोलियां चलेंगी, समझ गए? Thank you.
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाना है? नई जगह है ना? अरे कोई बात नहीं ब्रदर, एक काम करते हैं, साथ में नीचे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलें। लेट्स गो। लेट्स गो। फील फ्री। ओह वाओ, इजंट दिस अ ब्यूटीफुल प्लेस। वैसे एक बात बोलूं, जब गला थोड़ा गीला होगा ना तो यहाँ का रंग और जम जाएगा। हाँ मानव, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए ना पीने का। एनीवेज आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक बना के आता हूँ। ओके वैसे एक बात पूछूं, आपको देखकर लगता है कि आपने कोई गुनाह किया है? ये क्या कह रही हैं आप, कैसा गुनाह? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं तो शादी वाले गुनाह की बात कर रही थी। कहीं आपने शादी वाला गुनाह तो नहीं कर लिया? जी हाँ, मेरी शादी हो गई है। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी आई है यहाँ मेरे साथ। रियली, दैट्स ग्रेट। बाय द वे आई एम आंचल, और बार काउंटर पे जो ड्रिंक बना रहे हैं दैट्स माय हस्बैंड मानव। बाय द वे आप करते क्या हैं? कुछ खास नहीं, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। ओह गुड, दैट्स रियली कूल। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें हमारी जो प्यारी बीवी है ना, इनमें एक स्पेशल क्वालिटी है। इन्हें अपने हस्बैंड को छोड़ के दुनिया का हर हस्बैंड बहुत प्यारा, क्यूट, सिंपल, सीधा साधा लगता है, और दुनिया की सारी बुराइयां अपने हस्बैंड में दिखती है। क्यों? वेरी फनी। एनीवेज हमारी नई फ्रेंडशिप के नाम ये चांद। चीयर्स। चीयर्स। ये आवाज कैसी? बचाओ हमें। ये तो मीनाक्षी की आवाज है। क्या लाइट भी चली गई? कुछ गड़बड़ है। ये तो गुल्ली की आवाज है रोहित। शायद यहां से आवाज आ रही थी। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई आवाज नहीं आ रही है। क्या करें गाइस? लगता दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तू पीछे जा प्लीज। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या हुआ तुम्हें? मीनाक्षी कहाँ? मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या हुआ इसे? मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी क्यों शिखा तुमने? क्या हुआ? मैं मानव, कहीं उसी का हिस्सा तो नहीं है? मुझे नहीं पता क्या हुआ इसे। माय गॉड, इसे तो गोली लगी है। डू समथिंग। अरे इसे सच में गोली लगी है, अब क्या करें? तुम लोग, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। वो बॉक्स कहाँ गया जिसमें हमने मोबाइल फोन रखे थे? रिलैक्स, रिलैक्स। फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कौन है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बॉक्स कहाँ पे जिसमें हमने मोबाइल फोन रखे थे, जल्दी बता। वो बॉक्स क्यों चाहिए तुम्हें? मालूम है ना, एक बार फोन दे दिया तो फिर उसे हाथ भी नहीं लगा। पड़पड़ाना बंद कर, मजाक लग रही तुझे। मीनाक्षी को गोली लगी है, जल्दी बता। तो प्लान में होगा ना? प्लान में नहीं है, इसीलिए तुझे कह रहा हूँ, जल्दी बता बॉक्स कहाँ है। क्या हुआ? क्या तुम लोगों ने इतना शोर क्यों मचा कर रखा है? और अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? मैंने मीनाक्षी को गोली मार दी, और ये प्लान में नहीं था। गोली लग गई, गोली। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। गाइस वो डब्बा भी नहीं दिख रहा जिसमें हमने मोबाइल फोन रखे थे। मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे डॉक्टर को फोन करना है, CID को फोन करना है, मैं कैसे करूँ? हमें बाहर जाकर किसी PCO से फोन करना पड़ेगा। दरवाजा तो लॉक्ड है, ताला लगा लगता है, जाना तो पड़ेगा। काम करते हैं, तोड़ देते हैं। थैंक गॉड ये लाइट तो आ गई। आई नहीं, लाई है। अंधेरे में कितनी मुश्किल से फ्यूज ठीक किया, सिर्फ मैं ही जानता हूं। छोड़ो इसे, चलो हम तो चल के देखें मीनाक्षी को क्या हुआ है। नहीं, क्यों? सोचना पड़ेगा, वहां जाना ठीक है या नहीं।
कोई आदमी भी नहीं दिख रहा, कोई दुकान भी नहीं दिख रही। सारे परेशानी एक साथ ही आनी थी, हमारे मोबाइल फोन भी गायब हो गए। भाई रोको 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 भाई रोको प्लीज भाई रोको, हमारी बात सुनो प्लीज, रोको भाई प्लीज, हमारी मदद करो प्लीज। अरे क्या तमाशा लगा रखा हुआ है, प्रॉब्लम में फंसे, कुछ अर्जेंट है, प्लीज हमारी मदद करो भाई प्लीज। क्या हुआ, हमारा दोस्त बुरी तरीके से घायल हो गया, हमें सीआईडी और एम्बुलेंस को फोन करना है, प्लीज अपना फोन दो। तुम दोनों के पास फोन नहीं है? अरे हमारे पास फोन होता तो तुम्हें क्यों रुकाते, प्लीज हमारी मदद करो, बातें कम करो, हमें अपना फोन दो, हमें सीआईडी को फोन करना है प्लीज। रुको 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 रुको, मैं फोन करता हूँ सीआईडी को, थोड़ा जल्दी प्लीज प्लीज जल्दी करो। हेलो गाइस, गाइस मैंने फोन कर दिया, एम्बुलेंस आती होगी। कोई फायदा नहीं है मानव, अब मीनाक्षी हमारे बीच नहीं रही। जिन लोगों ने भी इस घटना को देखा है वो यहाँ इस कमरे में रहेंगे, बाकी लोग बाहर जाएं। लेकिन घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। कृपया इनका नाम और एड्रेस वगैरह सब नोट कर लो। अभिजीत ये देखो, इसे दो गोलियां लगी, एक यहां पर और एक यहां। तो आप तीनों ने सबसे पहले देखा था इसे, तब ये इसी पोजीशन में थे? वो पेट के बल गिरी थी। तुम तीनों पहले हॉल में थे, फिर समय रोहित आंचल और खुद के लिए ड्रिंक बना रहा था वहां पे, तभी हमने एक चीख सुनी। सर दो गोली चलने की आवाज आई, हम तीनों यहाँ भागते हुए आए, और मीनाक्षी। तो जब आप पहली बार ये दरवाजा तोड़कर अंदर आए थे तो मीनाक्षी के अलावा यहाँ और कोई नहीं था? अभिजीत मरने से पहले शायद इसने कुछ ये लिखने की कोशिश की, बालों के पीछे छुपा हुआ था इसलिए ठीक से दिखा नहीं। पता नहीं चल रहा क्या लिखा है, बैठ गया है। मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अच्छा ये मीनाक्षी ने मरने से पहले पूनी के बारे में कुछ बताया क्या, कि उसे किसने मारा, क्यों मारा, या फिर कुछ हो लिया, नाम वगैरह कुछ भी? पता नहीं सर, मैं तो तुरंत निकल गया था घर से आप लोगों को फोन करने के लिए। तुम दोनों तो थे ना यहाँ पे मीनाक्षी के साथ? हाँ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मीनाक्षी ने कुछ कहा नहीं, उसने फर्श पर लिख दिया। उसे फर्श पर लिखते हुए तो देखा होगा तुम लोगों ने, ये बात बताई नहीं हमें? मैं यहाँ इस रूम से कुछ देर के लिए बाहर गई थी। पानी, यहाँ तो कहीं भी पानी नहीं है, बाथरूम के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है। ये सब अभी होना था क्या? एक मिनट, मेरे रूम में पानी है, मैं अभी लेकर आती हूँ, वेट। मीनाक्षी उठो, ये लो पानी पियो। मीनाक्षी 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 जब मैं वापस लौट कर आई तो तुम मीनाक्षी यहाँ अकेली थी, रोहित भी नहीं था यहाँ। इनफैक्ट रोहित तो मेरे आने के भी बाद आया। अच्छा, तो गए कहाँ थे तुम दोनों मीनाक्षी को इस हालत में छोड़ के? मानव एम्बुलेंस के लिए कॉल करने गया था। सर जब आंचल पानी लेने गई तो मुझे इस दरवाजे से कोई आवाज सुनाई थी, मुझे लगा मीनाक्षी का कातिल होगा, तो सर मैं उसे बाहर देखने गया, और जब मैं वापस आया तो मेरी मीनाक्षी मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। अगर खूनी इस दरवाजे से बाहर गया है, कोई ना कोई सुराग तो उसने जरूर छोड़ा होगा। सर चेक करो दरवाजे को। अभिजीत इस मीनाक्षी ने मरने से पहले अंग्रेजी के दो अल्फाबेट लिखने की कोशिश की थी, के और ए। के और ए, फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद खूनी का नाम हो। कमरे का यह दरवाजा सीधे बाहर की तरफ खुल रहा है। हाँ,
लगता है खूनी ने मीनाक्षी को मारा और इसी रास्ते आराम से निकल गया। कारिका, ब्लड सैंपल्स ले लिए ना? हाँ। लैब में जाकर एनालाइज करो। ओके। देखो शायद इस रास्ते में जाके देखो कोई सुराग मिले। मैं यहाँ देखता हूँ। मुझे लगता है अभिजीत शायद हुआ यू होगा कि मीनाक्षी यूं खड़ी होगी, खूनी दरवाजे पर आया, इसने पलट कर खूनी की तरफ देखा, खूनी के हाथ में गन देखी और ये पलट कर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो भाग पाती इससे पहले ही खूनी ने उसकी पीठ में गोली दाग दी। और ये देखो जहां से गोली बाहर निकली है वहां पर ये खून के हल्के हल्के छींटे हैं जैसे किसी ने स्प्रे किया। और यहां देखो कितना सारा खून, यहां गोली लगी है अंदर। खूनी को देख के मीनाक्षी ने बाथरूम की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले ही खूनी ने गोली चला दी, इसीलिए मीनाक्षी मुंह के बल गिरी। पंकज सर, सर बाथरूम में उसके आसपास देखो गोलियां मिलती हैं क्या? सर खूनी ने गोली चलाई दरवाजे की तरफ से, खूनी का नाम है के ए। इसका मतलब मीनाक्षी को इसी गन से मारा है। आपका नाम? परेश। परेश, आप? सर मेरा नाम सुनैना है। रोहित मानव आंचल, आप? दीप्ति। अनिल। अनिल, आप? सर मैं करण। ओ करण, के ए आर ए एन, नाम का पहला अक्षर के और दूसरा ए। मीनाक्षी ने मरने से पहले फर्श पे अपने खून से खूनी का नाम लिखने की कोशिश की थी, उसने लिखा था के और ए। शायद तुम्हारा नाम लिखने की कोशिश की थी मिस्टर करण। सर ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर मैं तो यहाँ था भी नहीं, और सर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसका नाम के और ए से शुरू होता है। सर करिश्मा के नाम में भी तो के और ए आता है ना। करिश्मा? करिश्मा कौन है, कहाँ है? क्या यार सब खून लगा के बैठी हूँ कब से। वाह आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं कब से अपने कमरे में लेटी हुई हूँ वहाँ पे जाके। यार तुम लोग मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मैं लाश बन के लेटी पड़ी थी, सो भी गई थी यार। क्या करते हो यार आप? करिश्मा आप लोग भी खेल रहे हैं क्या? हाँ बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? जी नहीं, हम लोग CID से। CID? हाँ, और आप चुपचाप खड़ी रहो, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना। क्या चल रहा है ये? क्या बोल रही है? सर ये गेम है। कैसा गेम? सर हम सब फ्रेंड्स हैं और हर महीने एक नई जगह जाके ये गेम खेलते हैं, मर्डर गेम, और ये सब प्रिटेंड करते कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ सर, और इस गेम में एक प्लेयर विक्टिम का रोल प्ले करता है जो कि करिश्मा प्ले कर रही थी, और हम सब मिलके उसके खूनी को सबूतों के साथ ढूंढने की कोशिश करते हैं। सर इस गेम में पता नहीं होता है कि खूनी का किरदार कौन निभा रहा है, वो तो अंत में पता चलता है जब केस सॉल्व हो जाता है। हाँ सर। अच्छा तो तुम्हें गोली मारी गई थी? हाँ सर। सर एक्चुअली मैं विक्टिम प्ले कर रही थी, वो हम सबको इस गेम में एक प्रॉप मिलता है, मुझे इस बार खून दिया गया था। तुम्हारा खूनी कौन है? वो मैं हूँ खूनी।
रोहित तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ I'm sorry. सर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करिश्मा को गोली मारने के बाद उसके कमरे के सामने रखे पॉट में मैंने वो गन डाल दी. अच्छा पंकज चेक करो जरा कौन ये ऑर्गेनाइज कौन करता है ये गेम है? सर हम दोनों ये ऑर्गेनाइज करते हैं. मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करके इन सबको इंस्ट्रक्शन देता हूँ और फिर सब पे नजर भी रखता हूँ. नजर रखते हो कैसे? सर सीसीटीवी कैमरा. सर लेकिन सीसीटीवी कैमरा सिर्फ मेन हॉल में ही लगा हुआ. अच्छा दिव्या जरा फुटेज चेक करो. सर तो तुम लोगों को पता रहता है कि कौन कहाँ पे है क्या कर रहा है, है? गेम की आड़ में तुम लोगों ने मीनाक्षी का खून कर दिया. नहीं सर, सर हम क्यों मारेंगे? हमने किसी का नहीं मारा. मीनाक्षी का खून हो क्या? हाँ सर जरूर इस परेश के मीनाक्षी से कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी. नहीं नहीं मैंने कोई खून नहीं किया है सर. रोहित और मीनाक्षी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है सर और मैं इन सबसे इस गेम के लिए 5,000 रुपए लेता हूँ फीस के तौर पर. सर ये गेम तो हमारी रोजी रोटी है सर, भला मैं इसको बर्बाद करूंगा? सर मैंने चेक कर लिया है, मीनाक्षी का खून करके कमरे के दूसरे दरवाजे से कोई भी आसानी से भाग सकता है. सर ये गन मिली स्पॉट में. ये तो नकली है. इसका मतलब ये कोई और गन थी जिससे मीनाक्षी का खून किया गया है. करण और करिश्मा सच सच बताओ क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मीनाक्षी के साथ? सर मेरी यहां पर किसी से कोई दुश्मनी नहीं और मीनाक्षी से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी. तुम्हारी? सर मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उसके साथ. सर सर ये करिश्मा झूठ बोल रही है. असलियत तो ये है कि इसकी और मीनाक्षी का कभी बनी ही नहीं. रोहित और करिश्मा एक दूसरे से प्यार करते थे और रोहित की जिंदगी में मीनाक्षी आ गई और रोहित ने मीनाक्षी से शादी कर ली. तब से करिश्मा बहुत जलती है उससे. हमेशा कहती रहती थी कि एक दिन बदला जरूर लूंगी मैं. दीप्ति बदला लेने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं उसका खून कर दूंगी. मैंने ये नहीं किया सर. प्लीज एक बात बताओ तुम अपने कमरे से थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकली थी? नहीं सर मैं अपने रूम से बिल्कुल बाहर नहीं निकली थी सर. सर मैं वेट कर रही थी मेरे रूम में कोई मुझे देखने के लिए. मैं नहीं निकली थी सर. तुमने करिश्मा पे गोली कब चलाई? सर करीब 9:30 बजे. 9:30 और मीनाक्षी का खून हुआ करीब 10:45 बजे. हर कमरे में दो दरवाजे हैं, एक मेन दरवाजा और एक पीछे की तरफ खुलने वाला. 15 मिनट में तुम आसानी से मीनाक्षी का खून करके अपने कमरे में वापस आ सकती थी. सर ये इल्जाम गलत है सर. सर मैंने नहीं किया है सर. मैं अपने रूम में ही थी. सर सीसीटीवी फुटेज में कुछ पता नहीं चला. गलत इल्जाम है या हकीकत अभी पता चल जाएगा. पूर्वी पंकज पता करो कि करिश्मा के कमरे से मीनाक्षी के कमरे में आने जाने में कितना वक्त लगता है. ये रहा करिश्मा का कमरा और अगर करिश्मा ने मीनाक्षी का खून किया है तो वो यहीं से बाहर गई होगी. देखते हैं मीनाक्षी के कमरे में पहुंचने तक कितना टाइम लगता है. स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूं. 1, 2 इस तरफ. देखो भाई ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती क्योंकि तो बाद में उतनी मुश्किल आती है. इसलिए बेहतर होगा कि सच सच बता दो कि किसने मीनाक्षी का खून किया है और क्यों किया है. ये रहा मीनाक्षी का कमरा. कितना टाइम लगा? 6 मिनट. 6 मिनट मतलब करिश्मा ने मीनाक्षी का खून किया? हाँ क्योंकि 15 मिनट हुए नहीं और 15 मिनट में कोई भी यहाँ पे खून करके वापस करिश्मा के कमरे में जा सकता है.
नहीं पंकज, करिश्मा खूनी नहीं। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? क्योंकि ये दरवाजा देखो, ये बाहर से नहीं खुलता है। देखो मतलब करिश्मा यहाँ से मीनाक्षी के कमरे में जा ही नहीं सकती। करेक्ट, अगर मेन रोड से कोई आती तो कोई ना कोई तो देखता। एग्जैक्टली चलो सर को बताते हैं। अरे सर, 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 क्या हुआ सर? ये तुम कूदना बंद करो यार, बता दो प्लीज। चलो सचिन, क्या हुआ? सर बाहर मुझे एक गन दिखाई दी और जैसे ही मैं गन को उठाने के लिए आगे बढ़ा, किसी ने भारी चीज से मुझ पर वार किया, वहीं मैं बेहोश हो गया। और जैसे ही होश आया देखता हूँ कि गन वहाँ है नहीं। खूनी ने हमला किया होगा तुम पे और गन लेके भाग गया। तुम लोगों को क्या पता चला? सर करिश्मा खूनी नहीं हो सकती क्योंकि मीनाक्षी के कमरे के उस दरवाजे से बाहर तो निकला जा सकता है, लेकिन कोई अंदर नहीं आ सकता क्योंकि कमरा बाहर से नहीं खुलता। इसका मतलब खूनी मेन दरवाजे से ही अंदर गया है। एक काम करो, इन सब के बयान लो मगर अलग अलग। जब गोली चली थी तब तुम कहाँ थी? मैं तो रूम नंबर 1 में थी करण और अनिल के साथ, लेकिन करण पहले ही निकल गया था। मैडम मैं तो दीप्ति और करण के साथ ही था रूम नंबर 1 में, लेकिन करण पहले चले गया था। सर मैं तो कमरे में अनिल और दीप्ति के साथ ही था, लेकिन तभी मुझे कुछ पेट में गड़बड़ाहट महसूस हुई तो इसलिए मैं बाथरूम चला गया, लेकिन जैसे मैंने बाथरूम में गोली चलने की आवाज़ सुनी तो मैं घबरा गया और मैं तुरंत सीधा भाग कर बाहर आ गया। सर अचानक लाइट चली गई और मुझे कुछ सुनाई दिया, मैं भाग भाग कर यहाँ पर आया, फिर मीटर रूम चला गया लाइट को ठीक करने। सर मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं तो राशन का सामान लेने मार्केट गई हुई थी। और हाँ, आते वक्त मुझे अनिल और मानव भी मिले थे, वो आप ही लोगों को फोन करके वापस लौट रहे थे। हाँ जब गोली चली थी तो मीट घर पे नहीं थी। सर इन लोगों के बयान के मुताबिक सबके परफेक्ट एलिबाइज हैं और सब एक दूसरे के एलिबाई को कंफर्म भी कर रहे हैं। रोहित आचल और मानव हॉल में थे, अनिल और दीप्ति रूम नंबर 1 में, करण बाथरूम गया था, करिश्मा अपने रूम में डेड बॉडी के रोल में थी, वेटर हॉल में आया था और मेड घर से बाहर थी। एक मिनट, करण जब गोली चली थी तो तुम बाथरूम में थे है? हाँ सर वो मैंने बताया था ना मेरा पेट खराब था। अब ठीक है? हाँ सर पहले से आराम है। पक्का? हाँ हाँ सर वो पेट तो तब खराब था ना सर, अभी ठीक है। झूठ बोल रहे हो तुम, यहाँ पे किसी भी बाथरूम में पानी नहीं है, क्यों आचल? हाँ हाँ करण पानी तो था ही नहीं। कहाँ थे तुम जब गोली चली, कहाँ थे तुम? सर वो मुझे एक सट्टेबाज को फोन करना था सट्टा लगाने के लिए, इसलिए वो मोबाइल फोन वाला डब्बा उसे मैंने उठाकर स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में ले गया और वहाँ ताला तोड़कर फोन बाहर निकाला और उसे फोन किया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहानी बनाओगे और हम लोग विश्वास कर लेंगे? सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूँ सर, मैं स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में ही था। आप चाहे तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं सर। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैं वो स्टोर रूम के बगल वाले कमरे में ही था सर वो, लेकिन मैंने सर स्टोर रूम में कुछ आवाज़ सुनी थी जैसे कोई कपड़े बदल रहा हो। कपड़े बदल रहा? जी। सट्टेबाज को फोन किया था। सट्टेबाज जी तुमसे तो बाद में निपटते हैं, स्टोर रूम चेक करना होगा। यहाँ पे करण ने किसी के कपड़े बदलने की आवाज सुनी थी, तलाशी लो पूरे स्टोर रूम की। कपड़े का टुकड़ा मिला,
कहाँ से? सर यहाँ पे। लगता भागते वक्त अटक के फट गया है। सर ऐसा लगता है कि कपड़े का टुकड़ा मीनाक्षी के कपड़े का है। मतलब मीनाक्षी स्टोर रूम में आई थी। यहाँ पे एक काम कर, ये उसकी ड्रेस से मैच करके देखो। देखो पूर्वी। ये देखो, मीनाक्षी की नाक के अंदर से मुझे ये ऐसा कुछ मिला था जिसे मैंने तारिका को लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा। ये? एक मिनट, तारिका। हाँ तारिका। अच्छा, ओके ओके, गुड जॉब, ग्रेट। क्या हुआ? तारिका ने बताया कि ये प्लास्टिक के रेशे, प्लास्टिक फाइबर। इसकी नाक में प्लास्टिक फाइबर्स? अजीब बात है। अजीब बात है भैया, नहीं, किसी इंसान के नाक के आसपास अगर काफी समय तक प्लास्टिक रखा जाए तो ऐसा होना संभव है। अच्छा, प्लास्टिक फाइबर नाक में? सर, सर ये कपड़े का टुकड़ा मीनाक्षी के कपड़े जैसा है, लेकिन ये कपड़े का टुकड़ा मीनाक्षी के कपड़े का नहीं, मतलब ये इसी तरह के किसी दूसरे कपड़े का टुकड़ा है। पर ये कपड़े का टुकड़ा वहां पे पहुंचा कैसे? था कौन वहां पे? मम्मी, जरा देखो मीनाक्षी के कपड़े पे कोई लेबल वगैरह लगाया क्या? सर, हाँ सर, डॉग्स ड्रेस है। ये हायर किया हुआ कपड़ा है। हेलो दया। आइए आइए सर, आइए। जरा ये देखो, ये ड्रेस तुम्हारे दुकान का है? हाँ सर, ये तो मेरे ही दुकान के। लेकिन सर इस पे इतना खून कैसे लग गया? लड़की का खून हुआ है जिसने ड्रेस पहना था। क्या खून? तुम्हारे पास ऐसे कितने ड्रेस हैं? दो ड्रेस है सर। ये दोनों ड्रेस कौन ले गया, उनके नाम बताओ। ये है वो दो लोग। तो दूसरा ड्रेस इसके पास है। सर ये तो पता चल गया मीनाक्षी जैसा ड्रेस हायर किया गया था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। यही पता करना है पूर्वी कि ये खूनी खेल खेला कैसे गया। इंसान के नाक के आसपास अगर काफी समय तक प्लास्टिक रखा जाए तो ऐसा होना संभव है। सर मैं तो तुरंत निकल गया था घर से आप लोगों को फोन करने। इसकी और मीनाक्षी का कभी बनी ही नहीं। तो मेरे आने के भी बाद आया। सर अचानक लाइट चली गई और मुझे कुछ सुनाई दिया। सर जब आंचल पानी लेने गई तो मुझे इस दरवाजे से कोई आवाज सुनी। मैंने सर स्टोर रूम में कुछ आवाज सुनी थी जैसे कोई कपड़े बदल रहा हो। सर क्या आपको अभी भी लगता है कि खूनी हम में से कोई एक है? बिल्कुल, और वो अपने आप को बहुत शातिर समझ रहा है। ये केस कुछ उस तरीके का है जैसे आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा। एक जगह एक औरत का खून हो जाता है, बहुत सारे सस्पेक्ट, लेकिन हर सस्पेक्ट के पास परफेक्ट एलिबाई कि कौन
कहां पे था। अब सबसे पहले हम लोग मीनाक्षी के पति रोहित से शुरू करते हैं। क्या करें, सबसे पहले पति पे ही छक जाता है। लेकिन इस केस में जब गोली चली तब रोहित आंचल और मानव के साथ बाहर था, इसलिए आप तो रोहित, मानव और आंचल जब दरवाजा तोड़ के कमरे में गए तो मीनाक्षी जिंदा थी और दर्द से तड़प रही थी। सर, तब तो शायद खूनी या करण है। हो सकता है इसने सब कुछ झूठ बोला हो और वो बुकी वाली कहानी इसने अभी अभी बनाई हो। हाँ करण, करण तुमने तो झूठ बोला था ना कि पेट में दर्द था, और फिर जब पकड़े गए तो तुमने बोला कि मैं बुकी से बात कर रहा था। हैं सचिन, पता क्या वो बुकी वाली कहानी के बारे में? हाँ सर, मैंने इसके बुकी से बात की और इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। ये वाकई में अपने बुकी से ही बात कर रहा था जिस वक्त गोली चली। ओहो हो हो, करण जी आप तो बच गए। मानव और आंचल, आपके पास तो बड़ा मजबूत गवाह है, खुद मीनाक्षी के पति रोहित। जब गोली चली तो आप साथ में थे, और अनिल आप और दीप्ति आप भी साथ में थे, तो ये चारों तो बच गए। सर आप कहीं अभी भी मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। पंकज और पूर्वी ने चेक किया था ना, आप तो इस केस से बरी हो चुकी। सर मैं तो बेगुनाह हूं ना सर? हाँ आप, शोरगुल सुनकर आप यहाँ इस कमरे में आए थे है ना, लेकिन आपके पास ऐसा कोई गवाह नहीं है जो ये बता सके कि गोली चलने के वक्त आप कहाँ थे। तो हो सकता है कि मीनाक्षी का खून करने के बाद आप यहाँ पे आ गए हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। और सुना ना, तुम तो? जी सर, मैं तो राशन लेने मार्केट गई हुई थी। हाँ बाहर थी जी। हाँ हमने पता किया राशन के दुकान वाले से, उसने बताया कि शो शुरू होने के 3 घंटे पहले आप राशन लेके यहाँ पे आ गए थे। वहां से पैदल आया जाए तो 20 मिनट लगते हैं, बाकी समय आप कहाँ थी? सर सर वो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी सर, और मैं बताना नहीं चाहती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है मान लिया। लेकिन हुआ ये है कि वो चीख और गनशॉट जो आप लोगों ने सुना था, उसके 45 मिनट पहले ही मीनाक्षी की मौत हो चुकी थी। क्या क्या कह रहे हैं सर? सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मीनाक्षी तो तब जिंदा थी। आंचल, मानव और रोहित जब कमरे के अंदर गए थे। मीनाक्षी, 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 तो वहां पे मीनाक्षी नहीं थी, मीनाक्षी की जगह कोई और थी। अंधेरे के वजह से आप सब लोग धोखा खा गए थे। मानव तुम एम्बुलेंस को बुलाने के लिए और CID को बुलाने के लिए चले गए थे। जी हाँ सर। तुम लोग, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। आंचल तुम बाथरूम में गई, वहां पे पानी नहीं था। बाथरूम के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए पानी लेने के लिए तुम कमरे से बाहर चली गई। मेरे रूम में पानी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जब पानी लेकर तुम वापस आई तब वहां पे असली मीनाक्षी की लाश लिटा दी गई थी। मीनाक्षी उठो, ये लो पानी पियो। इसके पहले मीनाक्षी जैसी दिखने वाली, मीनाक्षी के कपड़ों में, सुने ना मैडम, आप थी वहां पे। आपने उसी दुकान से कपड़े हायर किए थे जहां से मीनाक्षी ने मंगवाए थे, सेम टू सेम, हू बहू। नहीं सर, मैं क्यों करूंगी सर, मैं क्यों मारूंगी सर। मैंने मीनाक्षी तो पहले ही मर चुकी थी, उसकी लाश को प्लास्टिक में लपेट कर बेड के अंदर छुपा दिया गया था।
और जब आप दोनों कमरे से बाहर गए तो सुनैना मैडम ने मीनाक्षी की लाश बेड से निकालकर वहां पे लिटा दी, और इसके पहले कि आप पानी लेकर वहां पर आती, सुनैना मैडम को दूसरे दरवाजे से मिस्टर रोहित ने भगा दिया। क्यों रोहित जी, सच है ना? भागने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी, समझे? नहीं सर, गोली मत चलाइए प्लीज। क्यों मारा मीनाक्षी को तुम लोगों ने? हैं? सर, मीनाक्षी मुझे तलाक देना चाहती थी। अगर ऐसा हो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता, मैं सड़क पे आ जाता। अच्छा, पर वो गन वहां से कैसे गायब हुई? पर मुझ पे हमला किसने किया? वो मैंने मारा था सर आपको। जब मैं मीनाक्षी के रूम से गन और प्लास्टिक लेकर निकल रही थी तो आंचल पानी लेकर आ रही थी, उसे देखकर मैंने छुपने की कोशिश की और उसी वक्त मेरे हाथ से गन गिर गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहले कपड़े बदल कर आऊंगी, नहीं तो मैं पकड़ी जा सकती हूँ। पर जब तक मैं वहां पहुंची आपकी नजर गन पर पड़ चुकी थी, इसलिए मैंने आप पर हमला कर दिया। ओह, मतलब स्टोर रूम में तू भी थी जिसकी आवाज करण ने सुनी थी? जी सर, वो मैं ही थी, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक रास्ता है तुम लोगों के पास, जेल का रास्ता। वहां से फांसी का रास्ता तुम्हें कानून दिखाएगा। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।